द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू चेंज द ट्यूनिंग ऑफ द गिटार. तो आप यहाँ पे YouTube सर्च पे ऊपर लिखें हाउ टू ट्यून योर गिटार टू स्टैंडर्ड ट्यूनिंग. पहले वो स्टेप आप पूरा कर लें, देन कम बैक टू दिस वीडियो. जब आपका गिटार स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे है पूरा, ठीक है, स्टैंडर्ड ई ट्यूनिंग, तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग करने के बाद अब हम ये ट्यूनिंग चेंज करेंगे. सो द ई विल रिमेन द ई, ए विल रिमेन द ए. ये जो डी है ना, इसे हम चेंज करेंगे. जी जो यहाँ पे हमारे पास है, वी विल ट्यून द डी नोट. दिस स्ट्रिंग इज ट्यून टू डी, वी विल ट्यून इट टू जी. सो अब जो ये डी है, इसे मैं डिट्यून, और देखे ना ये ई है, ठीक है, ये एफ है, ये एफ शार्प है, ये जी है, ठीक है. सो मैं अपने राइट हैंड पे जो इंडेक्स फिंगर है ना, उससे मैं ये जी नोट को टैप कर रहा हूँ, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम उसी राइट हैंड पे जो मेरी मिडिल फिंगर है, उससे मैं डी स्ट्रिंग को प्ले करता जा रहा हूँ, वाइल एट द सेम टाइम आई एम डिट्यूनिंग द डी स्ट्रिंग, ताकि वो इसके साथ मैच हो. ये और ये जब मैच होने लगे भी, सो अब ये जो डी पे ट्यून हुई थी ना ये स्ट्रिंग, अब ये जी बन गया, ठीक है. इसके नीचे जो स्ट्रिंग है, मतलब ये वाली, ये भी जी है, और अब ये भी जी बन गया. इसको शायद थोड़ा आपको ट्यून करने बार बार ट्यून करना पड़े शायद इस स्ट्रिंग को, बिकॉज वो बहुत लो ट्यून हो गया है, तो वो कंप्लीट प्रिसाइज जी पे उसको लाने के लिए यू माइट नीड टू यू नो ट्वीक इट, ठीक है. तो दिस वाज ई, दिस इज ए, दिस इज नाउ ट्यून टू जी, दिस इज जी ऑन इट्स ओन, दिस इज बी. और ये जो ई स्ट्रिंग है ना, ये पहले ई पे हमने ट्यून किया हुआ था इस स्ट्रिंग को. Now we will tune it to the note D. मतलब जब आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग करते हैं, सो चेक करने के लिए आप इस तरह ट्यून कर देते ना. अब आप ये थर्ड फ्रेट पे ले जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग, द बी स्ट्रिंग, और ये प्ले करें इसके साथ. नीचे वाली स्ट्रिंग को मैच करना है आपने इस नोट के साथ. दिस नोट इज कॉल्ड डी. सो ट्यून हो गया. सो दिस इज द ट्यूनिंग. अब हम स्टार्ट करेंगे इस गाने का पहला पार्ट. सो हम नॉर्मली आदत लाइक वी आर यूज्ड टू प्लेइंग आदत यूजिंग दीज टू फिंगर्स, लेकिन इसमें वील हैव टू यूज द पिंकी, ठीक है. पिंकी का इसमें बहुत इस्तेमाल होगा, और इस ट्यूटोरियल में आपने ख्याल रखना है. When I say use your pinky, I mean it, ठीक है, because आपको आगे काम आएगा. So आप करेंगे क्या पहले स्टेप में, ठीक है. So this is the first step. इसमें हम चार कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. बी, बी के बाद हम यूज़ कर रहे हैं ए, उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं जी, मतलब जी मेजर, और ए मेजर, बी माइनर. उसके अलावा एक बेस नोट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसे मेरे ख्याल से बी फ्लैट कहते हैं, ठीक है. इन फिंगर्स से आपने अपनी बेस नोट्स मैनिपुलेट करनी है इन दोनों से. दिस इज़ द फिंगर दैट यूल यूज टू प्ले द मेलोडी, पिंकी से प्ले करना है. सो आप सेकेंड फ्रेट से, अब ये स्ट्रिंग डी स्ट्रिंग बन गई है. सो सेकेंड फ्रेट से आप स्लाइड करके यहाँ आएंगे टू द फोर्थ फ्रेट, फिर आप फिफ्थ पे प्ले करेंगे, फिर आप बेस यहाँ पे पकड़ लेंगे सेकेंड फ्रेट पे, मतलब बी की बेस पकड़ लेंगे. ए स्ट्रिंग जो है ना, उसको सेकेंड फ्रेट पे पकड़ लेंगे. सो अब आपने ये करना है. इसके बाद ये जो बी स्ट्रिंग है, इसे ओपन प्ले किया, फिर उसके बाद हम फिर ई प्ले करें, डी को फोर्थ फ्रेट पे प्ले करेंगे, ठीक है. मतलब मैंने जब ये प्ले किया ना, उसके बाद बी प्ले किया ओपन, और फिर उसके बाद दोनों को एक बार फिर प्ले करना है, मतलब इस स्ट्रिंग को
और इसको, डी को हम प्ले करेंगे ऑन द फोर्थ फ्रेट और बी को हम जो ए स्ट्रिंग है उसे सेकंड फ्रेट पे प्ले करेंगे। सही है। ये करने के बाद यू विल डू दिस, ठीक है। ये मैंने क्या किया, सेकंड फ्रेट से फोर्थ पे आया, फिर सेकंड पे गया, फिर ओपन। ये जो अब जो डी स्ट्रिंग बन गई है ना, इसको हम लोगों ने इधर इस तरह प्ले किया। ये जो बी स्ट्रिंग है इसको सेकंड फ्रेट पे प्ले किया, फिर ओपन प्ले किया, मतलब प्ले एक ही बार किया, लेकिन प्ले करने के बाद फिर उसे यहां पे पकड़ा, लेकिन इस बार ए की बेस के साथ प्ले किया, फिर जी प्ले किया, ठीक है। वही काम हुआ, ये नोट यहां पे पकड़ा, इसको और ए को एक साथ प्ले किया, फिर जी को ओपन प्ले किया, फिर दोनों को एक साथ प्ले किया फिर से। अब आपने ना ये ओपन प्ले किया और बी स्ट्रिंग, मतलब फिफ्थ से थर्ड पे गए, फिर टू पे गए, ठीक है, और फिर ओपन इसको छोड़ देना है, ठीक है। फाइव थ्री टू, और टू से ना फिर ये पुल ऑफ करना है इसे, मतलब यहां पे पकड़ा हुआ है ना, इसको नीचे की तरफ ऐसे, और यहां पे जब आए ना तो आप ये जी का जो नोट है ये पकड़ लेंगे और इधर आप इसको ओपन प्ले करेंगे बी स्ट्रिंग को, ठीक है। सो उसके बाद फिर जी प्ले किया, फिर उसके बाद ई प्ले किया, और फिर यू डिड दिस, ठीक है। फिर दोनों को एक साथ प्ले किया, ठीक है। अब आपने ये प्ले किया, मतलब डी स्ट्रिंग जो अब डी बन गया उसको आपने यहां पे प्ले किया सेकंड फ्रेट पे, फिर ए की बेस के साथ ओपन प्ले किया, ठीक है, ए की बेस के साथ ओपन प्ले किया, फिर उसके बाद बी प्ले किया, फिर डी प्ले किया ओपन, फिर ये किया, अब आपने ना मिडिल फिंगर से बी स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट पे पकड़ लेना है, ठीक है। सो इसके बाद बी एक बार फिर प्ले होगा, लेकिन नाउ यू विल प्ले इट विद द बेस ऑफ, ठीक है, दोनों को एक साथ प्ले किया, और प्ले करके ना ऐसे एकदम से उसे म्यूट कर देना है, ठीक है। म्यूट ना भी करें तो ठीक है, लेकिन वो फिर आपको सस्टेन रखना पड़ेगा यहां पे, ये भी आप कर सकते हैं, मतलब ये प्ले करने के बाद उसे बिल्कुल पॉज कर दिया और फिर इस फिंगर से ये स्टेप अप कर सकते हैं। और ये क्या है, टू से आएंगे फोर्थ पे, फिर टू पे, फिर ओपन, ठीक है, फिर बी को सेकंड पे प्ले किया, फिर डी जो भी बन गया उसको आपने ओपन प्ले किया, और उसके बाद आपने ना ये जो सेवेंथ फ्रेट पे जो ये जी
बी और जो अब डी बन गया, यहाँ पे एक हारमोनिक किया आपने, इन तीनों को एक साथ हारमोनिक प्ले किया आपने, ठीक है। सो ये तो पहला तरीका है जो आसान तरीका है, मतलब जिसमें आपको सस्टेन नहीं करना पड़ रहा, मतलब आप ये स्टेप करके फिर पॉज हो जाएंगे और, लेकिन ये आपने बहुत जल्दी करना है पूरा प्रोसेस, ठीक है। मतलब जल्दी से करना है बहुत, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते और वो जो मैंने जिस तरह किया था, सो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपके, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा था ताकि आपके लिए आसानी हो, लेकिन जिस तरह मैंने किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो उसमें होगा ये कि, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन दोनों को एक साथ प्ले किया, इसे सस्टेन ही रखना है यहाँ पे, और यहाँ से आप नीचे आएंगे इस स्ट्रिंग पे एंड यू विल डू द सेम थिंग जो आप इस फिंगर से इस फिंगर तक ला रहे थे ना, नाउ यू विल हैव टू डू इट विद योर मिडिल फिंगर एंड योर पिंकी, ठीक है। टू से आया फोर पे, टू आपने पकड़ा अपनी मिडिल फिंगर से, आप आए फोर पे, ठीक है, वापस गए टू पे क्योंकि होल्ड रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसको ना इस तरह ये काम करना है, लेकिन इसे होल्ड ही रखना है, ठीक है। मैंने इस तरह किया था, और अगर इसमें आपको मसला हो रहा है ना तो आप ये भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे, यार मच्छर आ गए इधर, ये जो 19th फ्रेट है ना, 19th फ्रेट पे ये जो डी स्ट्रिंग बन गई है ना अभी, मतलब जो पहले ई थी, इसको आप यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ हार्मोनिक कर सकते हैं ऑन द 19th फ्रेट। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ये वाला करने के लिए। अच्छा, ये जो तरीका ना जिस तरह मैंने किया था, इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, मतलब उसे होगा ये कि पिंकी का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना गिटार प्लेइंग में, उतना ही आपका हाथ खुलेगा। सो आई रिकमेंड जो लोग मतलब गिटार दे आर यूज्ड टू इट, उनको मैं यही कहूँगा कि आप इसको इसी तरह करने की कोशिश करें, ठीक है, या तो फिर ये कर लें। सो ये करने के बाद फिर वो स्टेप रिपीट होगा, लेकिन इस बार हम मेलोडी की दूसरी लाइन प्ले करेंगे, और आप या तो बी प्ले कर लें इसके साथ, या तो ये जो जी स्ट्रिंग है ना इसको आप 3rd फ्रेट पे पकड़ लें, ठीक है। सो यहां से मैं आया 4th फ्रेट से 7th पे, फिर 9th पे आया, फिर 7th पे गया। अब जब मैं 11th पे आऊँगा ना, ठीक है, सो ये जो फिंगर है इसको मैं जी स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट पे पकड़ लूँगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब मैं आया ना, तो मैं ये प्ले करूँगा, आई विल होल्ड दिस जी स्ट्रिंग ऑन दी 9th फ्रेट, और जब ये मैं प्ले करूँगा ना अब इसको 11th फ्रेट पे, ठीक है, सो आई विल प्ले इट विद द बेस ऑफ ए। सो फिर यहां पे मैं जाऊंगा, ये प्ले करने के बाद मैं ये जी प्ले करूंगा 9th पे, और लो चला जाऊंगा 7th फ्रेट पे, मतलब 7th फ्रेट पे जी और 9th फ्रेट पे डी। अब ये स्ट्रिंग डी बन गई है, ठीक है। सो मतलब प्ले करने के बाद जी को मैं इस पोजीशन को यहां पे ले आऊंगा, ठीक है। इधर भी ये किया था, मतलब ये दोनों एक साथ प्ले किए, फिर जब जी प्ले किया था ना 9th पे, तब हमने इस तरह एक स्लाइड किया था, मतलब ऊपर की तरफ, सॉरी लो गए थे।
पहली पोजीशन की आती है, नाइन्थ पे जी पकड़ा था और जो डी है उसे हम लोगों ने अलेवेंथ पे पकड़ा था। दूसरी पोजीशन क्या थी, सेवन्थ पे जी पकड़ा था, नाइन्थ पे हम लोगों ने डी स्ट्रिंग पकड़ी है। तीसरी पोजीशन क्या है, हमने सिक्स फ्रेट पे जी पकड़ा हुआ है और सेवन्थ फ्रेट पे डी पकड़ा, डी स्ट्रिंग को बजा रहे हैं। सो ये बजाया, अब इसको एक बार फिर, मतलब एक बार जी फिर से प्ले किया और ये डी स्ट्रिंग को सेवन पे फिर प्ले किया। अब आप यहां जाएंगे विद दिस फिंगर ऑन द फिफ्थ फ्रेट, ठीक है, आपने प्ले किया फिफ्थ फ्रेट पे। अब आप जब यहां आएंगे ना सेवन्थ फ्रेट पे, ये जरूरी है कि आप इंडेक्स फिंगर से आए, बिकॉज वी विल यूज दिस मिडिल फिंगर टू डू दिस हार्मोनिक ऑन दिस एंटायर सेवन्थ फ्रेट, ठीक है। इसका कुछ मैं और भी तरीका करता हूं, ये देख रहे हैं, मतलब ये मैंने यहीं पे पकड़ा हुआ है। आई प्ले इट एंड आई लीव इट, मतलब ये यहां पे जब मैं इस फिंगर से प्ले करता हूं ना, सो आई जस्ट पुट दिस ओवर हेयर फॉर वंस एंड देन आई लीव इट, सो वो पूरा बार हार्मोनिक बन जाएगा। सो आई होप यू गेट दिस। सो ये करने के बाद आप ये करेंगे, फिर आप इस तरह गिटार को आहिस्ता, जोर से नहीं, ठीक है, अब आपने फोर्थ पे प्ले किया इसे, अब आप फोर्थ पे आए। अब जब आप सेकंड फ्रेट प्ले करेंगे ना, तो आप पिंकी के साथ प्ले करेंगे। क्यों प्ले करेंगे पिंकी के साथ, ये मैं बताता हूं, ठीक है। अब आपने ये ए की बेस के साथ ये जो डी बना हुआ है अभी जो स्ट्रिंग, उसको आपने सेकंड पे बजा दिया और ए की बेस के साथ प्ले करना है, क्योंकि अब आपने आना है नाइन्थ फ्रेट पे पिंकी से ही, फिर अलेवेंथ पे आना है, फिर आपने ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है ना, इसको आपने सिक्स्थ फ्रेट पे प्ले करना है और ये जो पिंकी है ये हमें अलेवेंथ पे ही रखनी है। एक दो तीन चार, ठीक है, चार बार प्ले किया, मतलब पहले जब आप प्ले करेंगे तो आप दो बार नाइन पे प्ले किया, दो बार इलेवन पे प्ले किया, उसके बाद आपने ये, फिर आप ये पिंकी से ही अलेवेंथ पे ट्वेल्थ पे आ जाएंगे, अलेवेंथ से ट्वेल्थ पे। लेकिन अब आप ना ये अपनी ये वाली फिंगर यहां पकड़ लेंगे, ये इंडेक्स, और यू विल डू दिस, ठीक है, अलेवेंथ से गए ट्वेल्थ पे, फिर आए वापस अलेवेंथ पे, सो फिर आए नाइन्थ, और नाइन्थ से अब हमें जाना है सेवेंथ पे, ठीक है। सो ये स्टेप होने के बाद फिर करता हूं, ठीक है, लेकिन ये जब आप करोगे ना, इसको आपने करना तो इन्हीं दोनों फिंगर से है, लेकिन ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये इधर आएगी, ठीक है। सो ये थोड़ी अजीब गरीब पोजीशन है, लेकिन यू नो मेरे लिए यही कंफर्टेबल है, सो मैंने इसी तरह किया। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा बार पकड़ लें, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेवन्थ पे पकड़ा, ये जो मिडिल फिंगर है ये मैंने सेवन्थ पे पकड़ी हुई ऑन द ई स्ट्रिंग, ठीक है। आई प्ले बोथ ऑफ देम,
ठीक है, अगर बी ओपन बज जाए तो खैर है। देन आई प्ले दिस जो कि अभी डी स्ट्रिंग बन गई है, इसको मैं नाइन्थ पे प्ले करूँगा, सही है। तब ये करने के बाद आपने ये किया, फिर एक बार ये प्ले किया, सो मतलब ये करने के बाद पिंकी से ही आपने इसको स्लाइड करना है नाइन्थ से अलेवेंथ, ठीक है, ट्वेल्थ, और फिर आ जाना है अपनी इंडेक्स पे। लेकिन इस बार आप ए की बेस प्ले करेंगे, ठीक है। अगर जी बजाना चाहते हैं नाइन्थ पे तो बजा लें, अगर जी बजाना चाहते हैं सेवन्थ पे तो वो भी इसके साथ बजा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप हो गया। अब आप दो बार बी स्ट्रिंग बजाएंगे, ठीक है, दो बार बी स्ट्रिंग बजेगी, फिर बी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे बजेगी, एक बार फिर सेकंड फ्रेट पे बजेगी लेकिन विद द बेस ऑफ जी, और बजने के बाद यूल लाइक ये जो पुल ऑफ होता है, क्या होता है यार, ये करना है आपने, ठीक है। फिर आपने ये डी ओपन प्ले कर देना है। और ना मैंने ये भी किया था, मतलब वो ये करते साथ ही मैंने ये भी कर दिया, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से आया सेवन्थ पे और वापस यहाँ आ गया सॉरी आपके थर्ड फ्रेट पे। ये करने के बाद आई डू दिस, लेकिन आई डू इट वेरी क्विकली, फिर उसके बाद फिर ये बजेगा, लेकिन इस बार आप इसको मिडिल फिंगर से पकड़ेंगे, ठीक है, दो बार ओपन, फिर यहाँ पे सेकंड फ्रेट पे, और अब आप ए की बेस के साथ से प्ले करेंगे, फिर डी ओपन प्ले किया, ठीक है, डी ओपन के बाद फिर से एक बार आपने इसे प्ले किया बी स्ट्रिंग को ऑन द सेकंड फ्रेट, ठीक है। अब अपना ये जो नोट है, फिर आपने ये बेस नोट पकड़ी और इन दोनों को एक साथ प्ले किया, दोनों को एक साथ प्ले किया, फिर डी ओपन प्ले किया, ये टू से ओपन, ठीक है। अब इसके ऊपर जो जी स्ट्रिंग है ना, जी स्ट्रिंग को यहां पकड़ लो ऑन द सेकंड फ्रेट, और ये जो यहां पे जो फर्स्ट फ्रेट पे पकड़ा था इसको सेकंड फ्रेट पे ले आओ, और इन दोनों को एक साथ प्ले करो, ठीक है। मतलब इन दोनों को एक साथ प्ले किया, फिर ये किया, और फिर ये बेस के साथ फिर बी को ओपन प्ले किया, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक है, मतलब ओपन से आए टू पे ई सॉरी डी ओपन प्ले किया, ये स्ट्रिंग अभी डी बन गई, फिर ये पुल ऑफ किया टू ओपन, अब फिर आए जी पे सेकंड फ्रेट पे, या तो जी से लेकर सेकंड फ्रेट से फोर्थ पे आ जाओ बजा के, ठीक है, या तो फिर, और वही होगा, ये स्टेप करने के बाद ना ये किया और फिर दोनों को, मतलब ए की बेस को और बी स्ट्रिंग को, ठीक है,
अब ना आपने इसी फिंगर से, मर्जी है, इससे करते हो, इससे करते हो, इससे करते हो, ये आपने, मैं कहता हूँ इससे कर लो, रिंग फिंगर से कर लो या मिडिल से कर लो, ठीक है, लेकिन मैं रिंग फिंगर से करता हूँ। ओपन से, ओपन से टू पे आए, फिर फिफ्थ पे आए। अब ना बेस के साथ ई की बेस प्ले करनी है, ये वाली स्ट्रिंग, और इस नोट को, ठीक है, क्या किया मैंने, फिफ्थ से आया सेवन्थ पे, फिर एक बार सिक्स्थ पे गया, फिर वापस सेवन्थ पे आया, फिफ्थ से आया सेवन्थ पे, फिर जल्दी से सिक्स्थ पे जाके वापस सेवन्थ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जब आए ना वापस, फिर एक बार आपने बी स्ट्रिंग प्ले किया, फिर जी प्ले किया, फिर डी ओपन प्ले किया, फिर बी ऑन द सेवेंथ, फिर जी, ठीक है, फिर उसके बाद बी प्ले किया और फिर जी प्ले किया, सो ये जो मैं इस तरह प्ले कर रहा हूँ ना, तो नीचे की स्ट्रिंग्स ओपन बज रही हैं, ये इधर इधर लगना नहीं चाहिए, वरना नहीं बजेगा, वैसे ऐसे ऐसे बजेगा, वो करना नहीं है, ठीक है। अब जब जी बजा लिया ना, अब आप इधर आ जाएंगे, ठीक है, थर्ड फ्रेट ऑन द ई स्ट्रिंग, ये बजाया, बी ओपन बजाया, और ये जो डी स्ट्रिंग है ना, इसको अभी आपने थर्ड फ्रेट पे बजाया। ये मैं जो ये फिंगर नीचे कर देता हूँ ना, ये आपके लिए करता हूँ, ये करना नहीं है, वरना आपकी हैंड के लिए आसान नहीं होगा प्ले करना। सो ठीक है, देखो ये मैंने बिल्कुल इस तरह से पकड़ा हुआ है, मतलब ये मैंने इधर कहीं रखा हुआ नहीं है, ये ऊपर है और ये भी ऊपर है, मैंने सिर्फ ये और ये पकड़े हुए हैं, सही है। जी बी ओपन और फिर डी को थर्ड फ्रेट पे, फिर बी ओपन, फिर दो बार ई पे प्ले किया ऑन द फिफ्थ फ्रेट, डी स्ट्रिंग पे, सॉरी। और अब ये जो ये फिंगर है ना, इससे आप फोर से फाइव से फोर से सेकंड फ्रेट। अब जब आप यहां आएंगे ना, सो ये जो आपकी फिंगर है, रिंग फिंगर, इसको आप, ये जो डी स्ट्रिंग थी ना जिसको हमने जी बना दिया था, इन दोनों को आप एक साथ प्ले करेंगे। ये देखें थोड़ा डी ट्यून हो गया, ये होगा बिकॉज हमने इसको बहुत लो ट्यून किया हुआ है। हाँ अब सही है, मतलब ये बी है, अब ये भी बी बन गया ना, बिकॉज ये हमने जी पे ट्यून किया हुआ है, तो ये जी शार्प है, ये ए है, ये बी फ्लैट है और ये बी है। सो जब आप यहां पे आए ना, ये जब आपने किया, एक बार यहां पे प्ले किया, दूसरी बार जब प्ले करेंगे यू विल प्ले इट विद द बेस, और इस केस में हमारे पास जो जी स्ट्रिंग है उसको हम लोग फोर्थ फ्रेट पे पकड़ लेंगे, सो इट विल बिकम अ बी। हम ये भी कर सकते हैं मतलब, लेकिन ये हमने नहीं करना,
करना है तो कर लें, लेकिन आगे जो हम कर रहे हैं वो शायद फिर ना हो। ठीक है, चार बार आपने ये करना है। क्या करना है? ओपन बी और डी स्ट्रिंग को फोर्थ फ्रेट पे। ये मैंने कितनी बार किया? चार बार किया। ठीक है, फिर आप एक बार फिर ये प्ले करेंगे और इसको स्लाइड करके ले आएंगे नाइन्थ फ्रेट पे। एक दो तीन चार, और फिर आप आएंगे नाइन्थ फ्रेट पे। अब नाइन्थ पे डी प्ले की, जी जो है ना आपने सेवन्थ पे प्ले की, फिर सेवन्थ पे आपने बी स्ट्रिंग प्ले की, और ये ज़रूरी है कि इन्हीं फिंगर से प्ले करें। ठीक है, ठीक है, सेवन्थ पे प्ले करने के बाद टेंथ पे प्ले करेंगे बी स्ट्रिंग। सो अब नाइन्थ पे आपने डी प्ले किया, फिर जरूरी है कि आप रिंग फिंगर से ही अलेवेंथ फ्रेट पे डी प्ले करें। ठीक है, फिर ट्वेल्थ पे प्ले किया, फिर फोर्टीन पे प्ले किया, और फिर सो ट्वेल्थ पे आए, फोर्टीन पे आए, और फिर आप आए किस पे? सिक्सटीन पे। और ये जो फिंगर है ना, ये आप पकड़ेंगे ऑन द फोर्टीन फ्रेट ए स्ट्रिंग। सो दिस बिकम्स अ बी वंस अगेन। ठीक है, हो गया यहां तक। अब हम आते हैं, मतलब ये जो सेवन्थ फ्रेट है ना, इसे प्ले किया इस फिंगर से। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से, इसको रिंग फिंगर से मैं जिस फिंगर से बजा रहा हूं उसी से आपने बजाना है, बाद में फिर गिला नहीं करना। ठीक है, ये प्ले करके, और इसको ना मैंने जब प्ले किया तो इस तरह थोड़ा सा पुल ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवेंथ पे ये बजाया, फिर ट्वेल्थ पे डी बजाई, अलेवन से ट्वेल्व से अलेवन, फिर इस तरह ओपन, थोड़ा सा पुल ऑफ है, बहुत बहुत हल्का सा, और जब यहां पे आएंगे ना ये बजाने के बाद, आप ये बी अपनी मिडिल फिंगर से बजाएंगे, बी की बेस नोट ऑन द सेवेंथ फ्रेट, और इस तरह का स्लाइड करना है। सो अब आपने अपनी इंडेक्स फिंगर से सेकंड फ्रेट पे बी स्ट्रिंग पकड़नी है, और इधर फोर्थ फ्रेट पे जी, और फोर्थ फ्रेट पे जिस स्ट्रिंग को हमने जी बना दिया ना, उसको भी आप यहां पकड़ेंगे। ठीक है, ऑन द फोर्थ फ्रेट। सो इसको आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं। कर लिया ये स्टेप। अब इसके बाद आप फिर सेवन्थ पे प्ले करेंगे, लेकिन इस बार पहले ट्वेल्थ पे आए थे, इस बार आप जाएंगे फोर्टीन्थ पे। ठीक है, मतलब
14th से 12th, ठीक है, 11th, फिर आप आए 9th, ठीक है। सो अब जब यहाँ आए ना, ये आपने एक हार्मोनिक करना है आपने, और उस हार्मोनिक में आपने ये जी और ये नीचे वाली जी दोनों प्ले करनी है, या एक प्ले करना है, ठीक है। इसका मतलब मैंने इस तरह भी प्ले कर सकता हूँ, लेकिन हार्मोनिक के साथ करें तो वो उसको बहुत स्मूथ बना देता है, ठीक है। ये करने के बाद आप आए 11th पे, और 11th से 12th पे जब जाएंगे तो इस फिंगर पे आएंगे, ठीक है। और फिर आप आएंगे 11th पे, लेकिन इस बार जब आप 11th प्ले करेंगे तो ए की बेस प्ले करेंगे, मतलब ये नोट प्ले किया आपने और ए की बेस को आपने हार्मोनिक के साथ प्ले किया। सो अब आप जाएंगे यहां और इसको आपने पिंकी से पकड़ लिया, ये जो नोट है ना बी फ्लैट, इसको आपने पकड़ लेना है अपनी मिडिल फिंगर से, और ये जो फिंगर है ना इसको पहले से यहाँ पे तैयार रखना है, बिकॉज आप ई को प्ले करेंगे और बी फ्लैट को प्ले करेंगे एक साथ इस तरह, ठीक है। मतलब मैं 7th से गया 5th पे बी को प्ले करते हुए एट द सेम टाइम। अब ना ये जो 7th फ्रेट पे बी है, बी स्ट्रिंग जो है, इसे मैंने प्ले किया, फिर मैंने इसे प्ले किया, सो और फिर इधर प्ले किया 7th पे, फिर 5th पे प्ले किया। अब जब मैं प्ले करूंगा ना तो आई होल्ड दीज टू और जस्ट द बी नोट एंड द बी स्ट्रिंग ऑन द 7th फ्रेट, ठीक है। बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग दोनों को 7th फ्रेट पे करके ऊपर स्लाइड किया, इसे लो स्लाइड किया, हम लो गए हम, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या था, मतलब इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इन दोनों फिंगर से कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है। ये जो मैंने कहा था ना कि लेफ्ट हैंड पोजिशनिंग पे लेसन चाहिए, तो सब कह रहे थे स्केल स्केल स्केल, ये लेफ्ट हैंड पोजिशनिंग में बहुत गेम है। खैर मैं आगे बताऊंगा फिर आपको, आपको तो बस स्केल्स चाहिए ना, खैर या इस तरह कर लें। अब फिर वो स्टेप होगा, देख रहे हैं, फिर ये स्ट्रिंग डिट्यून हो रही, बिकॉज ये होगा, एक तो मैंने नई नायलॉन स्ट्रिंग्स डाली हैं, आप जब भी नई स्ट्रिंग सेट डालते हैं तो नायलॉन्स में ये होता है, वो बार बार डिट्यून होती हैं, एक दो दिन ये प्रोसेस होता है, उसके बाद सेट हो जाती हैं। सो अब फिर वो स्टेप रिपीट होगा, लेकिन इस बार जब आप यहाँ आएंगे ना, मतलब ये करके ना, अब आप बी बजाएंगे, बी की बेस मतलब ई ऑन द 7th फ्रेट, और बजाने के बाद एक बार फिर आप 7th फ्रेट पे ये नोट प्ले करेंगे जो बी स्ट्रिंग है, एक बार फिर प्ले करेंगे, फिर आप जाएंगे 5th पे, 7th से 5th, फिर 7th, फिर आप ना 10th से जाएंगे 8th पे और फिर 7th। मैं करता हूं फिर से, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह वेरिएशंस कर सकते हो।
उसके बाद फिर आ गए 14th पे, मतलब 14 प्ले किया, फिर 12 11th 9th, और आप फिर वो स्टेप करेंगे, लेकिन अब ये स्टेप एक बार फिर होगा, इस बार हमने क्या किया, बजाय यहां जाने के, मतलब बी स्ट्रिंग पे जाने के बजाय हमने डी जो स्ट्रिंग बनी हुई है उसको हम 7th पे प्ले करेंगे, ठीक है। ये बजाने के बाद इन दोनों को एक साथ जब बजाए ना, फिर बी ओपन बजाया, फिर ये नोट बजाया ऑन दी 9th फ्रेट, फिर बी ओपन बजाया, फिर बी छोड़ दिया और ए प्ले किया, और ए जब प्ले किया था ए के साथ 9th फ्रेट पे ये डी भी प्ले हुआ था, फिर ओपन बी, और फिर उसके बाद ना आप इस तरह ये 4th फ्रेट पे जो नोट है ना जी शार्प ऑन द ई स्ट्रिंग, इन दोनों को एक साथ आप बजाएंगे, मतलब 9th फ्रेट को डी वाली स्ट्रिंग पे मैं प्ले कर रहा हूँ और ई को मैं 4th फ्रेट पे प्ले कर रहा हूँ, विच इज़ अ जी शार्प, दिस इज अ जी, दिस इज अ जी शार्प। एक बार करता हूँ, मतलब ये ए है, ए को आप ओपन भी बजा सकते हैं, समझ आ गया। अब फिर ये होगा, लेकिन इस बार आप जी बजाएं, या तो ये वाली जी बजाएं या ये वाली जी बजाएं, या अगर बहुत शौक है तो नहीं भाई ये तो मैं कोको कोरीना भी गा लूंगा लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा। सो ठीक है, ये जो नोट मैं बजाऊंगा ना मैं इसे पिंकी से बजाऊंगा, फिर बी ओपन, फिर ये नोट, फिर बी ओपन, ठीक है, फिर गया एफ शार्प पे, और ये जो है इधर ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आऊंगा 6th फ्रेट पे बेस प्ले करूंगा, यहां पे सिर्फ एक बार होगा, सो एक बार मैं इसे करता हूं, अब एक बार ये मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों नोट्स को प्ले किया ना तो ये जो फिंगर है ना इससे मैं जी प्ले करूंगा, फिर इस फिंगर से मैं बी को प्ले करूंगा 7th ही फ्रेट पे, फिर 10th पे बी प्ले किया, फिर 9th पे डी प्ले की, फिर 11th पे प्ले किया, 12th पे प्ले किया, 12th के बाद हमने 14 पे प्ले किया, और फिर हम यहाँ पे आ गए, इन दोनों को हम लोगों ने फिर से प्ले किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 7th फ्रेट है ना इधर, अपने ये जो 7th फ्रेट की जो ये वाली 3 स्ट्रिंग्स हैं जी बी और जिसे हमने डी बना दिया, इस पे आपने इस तरह हार्मोनिक करना है, मतलब यहाँ से अटैक करोगे ना, मैंने इधर हार्मोनिक का ऊपर कोई ट्यूटोरियल दिया हुआ है यार वो देख लेना, ठीक है, वो मैं हारमोनिक्स का ट्यूटोरियल यहाँ पे नहीं करवा सकता, मैंने पहले से किया हुआ है देख लो, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे ये वाली पोजिशन फिर पकड़ लूँगा, ठीक है। अब हमने वो स्ट्रमिंग वाला पार्ट, वो क्या कहते हैं जिंग 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 वो वाला पार्ट करना है। अब लोग ऐसे नॉर्मली लाइक इस फिंगर से जिस तरह हम करते हैं ना, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता, आई यूज दीज
ये जो फिंगर्स है ना इसको जंग जच जंग, ठीक है, मतलब पहले मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ था ये, और फिर मैं ये पकड़ लूँगा और ये भी इसके साथ ओपन प्ले कर दूँगा, ठीक है। मतलब पहले अब मैंने पोजीशन क्या पकड़ी है यार, वो मुझे कह रहे होते हैं कि आप जब ट्यूटोरियल बनाते हैं तो आप हमें बिगिनर्स को भी माइंड में रखें, आप बहुत चीज़ें स्किप कर देते हैं, नहीं बताते बार बार हमें बताते, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम जो अगर बहुत प्रो यहाँ पे कोई है वो अपनी अरेंजमेंट बना ले, सीख भी वही ले, सिखा भी वही दे। मुझे इधर सबका ख्याल रखना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे मुझे बकायदा एक मैसेज आया, यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ आपको, सो इसीलिए मैं बार बार एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है इधर गर्मी में बैठ के। सो ये मैंने पकड़ा हुआ है सेकंड फ्रेट पे बी स्ट्रिंग, ठीक है, जो जिस स्ट्रिंग को हमने जी बना दिया था ना उसे मैंने पकड़ा है फोर्थ फ्रेट पे, और जो पहले से जी स्ट्रिंग है उसको भी हम लोगों ने पकड़ा है फोर्थ फ्रेट पे। सो ठीक है, और ये जो डी है ना ये ओपन ही बजने थे आप, लेकिन पहले मैंने ये यहां पे पकड़ा था इस स्ट्रिंग को, अब मैं यहां पे प्ले करूंगा इसे, ठीक है। और इधर मैं क्या कर रहा हूं, अब इस पे फिर आते हैं, ठीक है। और ये फिंगर क्या कर रही है, ये इस ऊपर वाली ए को और ई को एक तरह से म्यूट कर रही है, ठीक है। सो और अब ये क्यों इधर आ गया, ये क्योंकि इस बार ये इसे म्यूट कर रहा था, बिकॉज मुझे इस तरह हप ये करना था तो चांस था कि ये बच जाता। सो इस फिंगर को मैं इसे म्यूट करूंगा, ठीक है। अब आपने उफ यार, अब ये पार्ट भी, मतलब इसमें होता क्या है, मतलब मैं डी को ओपन प्ले सॉरी डी को फोर्थ पे, फिर मतलब फोर्थ से ओपन एक तरह से पुल ऑफ हमने किया, फिर सेकंड फ्रेट पे ऑन द बी स्ट्रिंग सेकंड टू ओपन, ठीक है, फिर सेकंड फ्रेट ऑन द डी टू ओपन, और फिर ये मतलब फिर से फोर और ओपन, और यहां पे वही रहेगा, मतलब सेकंड ऑन द बी एंड देन ओपन ऑन द बी। सो आखिर में ठीक है, आखिर में एक बार ये डी फिर प्ले होगा, ये एक स्टेप दो बार मैंने किया है, ठीक है। समझ आ गई, समझ नहीं आई थोड़ी रिवाइंड कर लो, देख लो, ठीक है। अच्छा फिर ये होगा, लेकिन इस बार आप ना ये पोजीशन पकड़ेंगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए नीचे कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। डी जिसे हमने बना दिया ना जिस स्ट्रिंग को, सेवन्थ पे मैंने पिंकी के साथ पकड़ा हुआ है उसे, ठीक है। और ये जो है मैंने फिफ्थ पे पकड़ी हुई है मिडिल फिंगर, और ये जो इंडेक्स है ये मैंने फोर्थ पे पकड़ी हुई है। सो आई विल डू दिस थिंग, ठीक है, फिर मैं सेवेंथ पे जाऊंगा ऑन द बी स्ट्रिंग, असल में इसमें हुआ क्या है, seven
फोर का मतलब ये फोर। अब इसके बाद सो फाइव से सेवन पे आए, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सेवन। अब फाइव, सेवन और नाइन। अब सेवन, सेवन, नाइन, अलेवन नहीं, ट्वेल्व पे डायरेक्ट हार्मोनिक कर दें। सो या तो पूरा बार बजा दें बजाय ई, सिवाय ई के, या तो इन तीन स्ट्रिंग्स पे हार्मोनिक कर दें, या तो सिर्फ ये स्ट्रिंग प्ले कर दें। सो ठीक है, ठीक है। अब फिर ये स्टेप रिपीट होगा, तीसरी बार हम जिंग 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 कर रहे हैं। अब आपने हार्मोनिक्स करने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह, आप तो स्लो मोशन में होंगे लेकिन चीजें तेजी में हो रही होंगी, ठीक है ना। यार बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, ये जो मतलब तुम कोई भी हो ना, ये आराम से हो सकता है, इसको तसल्ली से प्रैक्टिस करो। ये यूट्यूब की वीडियो है ना, इसकी स्पीड स्लो कर देना, ठीक है, 0.5 कर दो, कुछ भी, घबराना नहीं, ये हो सकता है, ये कोई भी कर सकता है, प्रैक्टिस कर। यू नो मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे हैंड्स यू नो दे आर यूज्ड टू इट, तो यू कैन गेट यूज्ड टू इट इफ़ यू वांट टू गेट यूज्ड टू इट। उसकी कॉस्ट सिर्फ यही है कि इस तरह के मोमेंट्स में जब आप ऐसे बैठ जाते हैं ना, यार ये क्या, मैं मुझसे तो ये नहीं हो रहा, वही होगा अगर करना है ना, होगा अगर करना है, होगा। सो वापस आते हैं, ये किया, अब ये दो फिंगर्स रेडी रखो, और पहले अपने इस फिंगर से सेवेंथ फ्रेट पे ये हार्मोनिक बजाया जी स्ट्रिंग पे, फिर आपने अपनी थंब से जिस स्ट्रिंग को हमने जी बनाया था ना, जो पहले डी था, इसे प्ले कर दिया। आपकी मर्जी है ये बजाते हैं या बी के साथ हार्मोनिक बजाते हैं, या ई के साथ, सॉरी ए के साथ बजाते हैं, या ई के साथ बजाते हैं, मर्जी है, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। मतलब जी जी, फिर से जी, फिर डी पे ऑन द सेवेंथ फ्रेट, फिर बी पे ऑन द सेवेंथ फ्रेट, ठीक है। दूसरी बार जब आप करेंगे, आप सेवेंथ नहीं प्ले करेंगे हार्मोनिक, मतलब बी स्ट्रिंग पे सेवेंथ फ्रेट पे हार्मोनिक जो पहले प्ले किया था ना, पहले बार जब ये किया था आपने, ये एक बार हो गया। दूसरी बार जब आप करेंगे, अब आप बी को इधर बजाएंगे 12th फ्रेट पे, और ये बजाने के बाद एकदम से ना निंजा की तरह बिल्कुल, मतलब वो हार्मोनिक वाला साउंड रहा है, एक तो ये स्ट्रिंग वाला साउंड है ना, ठीक है, देख रहे हैं ये हार्मोनिक है, मतलब ये एक तरह से स्लाइडेड हार्मोनिक है, हार्मोनिक किया एकदम से टू पे पकड़ा, और फिर उसे थर्ड फ्रेट पे ले आए बी स्ट्रिंग पे। या
ये करने के बाद ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने यही अचीव करना है और फिर आपने ये कर देना है, पूरे बार को आपने जो है ना। हारमोनिक्स पे ट्यूटोरियल मैंने किया हुआ है भाई, इधर मुझे मत कहना कि मैंने हारमोनिक्स क्यों नहीं समझाया। अब आप आखिरी बार जंग जग जंग करेंगे, मतलब चौथी बार। अब आपने जंग जग जंग किया, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां आएंगे, अब आपने ये करना है। लेकिन आपने ये डी डी को जो हमने जी बनाया था ना, वो एक इस जगह में भी हमें काम आएगा। दो ही जगहों में हमें वो काम आया था, एक जब हमने ये किया था ठीक है, वरना हम ये वाला जी भी बजा सकते थे ना ठीक है। सो यहां पे आपने जी स्ट्रिंग बजानी है और आपने सेवेंथ और फिफ्थ फ्रेट और ओपन जो है ठीक है, सेवन फाइव और ओपन इसके साथ हमने खेलना है। सेवन फिफ्थ एंड देन ओपन, सेवेंथ फिफ्थ ओपन, और इसी तरह यहां पे बी स्ट्रिंग पे भी सेवेंथ फिफ्थ एंड ओपन ठीक है। इसे हमने तेजी से करना है, टाइम लेगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं टाइम लेगा मेरे भाई। कोई भी दुनिया का आपको सिखाए ना टीचर, पैसे दो जो भी कर लो भाई, अपना सर जमीन के अंदर डाल दो जो भी कर, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दुनिया के सारे गिटारिस्ट इकट्ठे हो जाएं, उनके बाप भी इकट्ठे हो जाएं, उनके दादा लोग भी इकट्ठे हो जाएं, नहीं सीख पाओगे। ये जो गिटार है ना, ये ना मुसलमान होती है, ना हिंदू है, ना ये इंडियन है, ना ये पाकिस्तानी है, ना ये बांग्लादेशी है। ये गिटार सिर्फ उसकी है ना जो इसे प्रैक्टिस करता है। गिटार ये नहीं देख रहेगा कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है। गिटार ये देखता है कि आपने उसके साथ टाइम कितना गुजारा। तो 50 kg लिफ्ट करना है तो ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इंटरनेट पे, और लोग कहते हैं यार नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं बिल्कुल लिख के देता हूँ, स्टैम्प पेपर ले आओ कोई, मैं लिख के देता हूँ, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। अब ये नहीं पूछना यार कितने दिन प्रैक्टिस करूँ। सो आखिरी जंग जजक जंग जब आपने किया, ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है। और इसके लिए देख रहे हैं मैंने, अब मैं खुद भी ऐसे हो गया, वीडियो में भी मैं ऐसे हुआ था, बिकॉज भाई ये इससे आप ऐसे कर ही नहीं सकते, इसके लिए आपको मुंह भी ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा बनाना होगा। ओपन, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, फिर ये वाला स्टेप आएगा। के बाद थोड़ी देर आपने रुकना है, ऐसे नीचे होना है, थोड़ा सा स्माइल करना है, फिर आपने ये पोजीशन पकड़नी है, ये बजाना है, फिर आपने ये भी करना है ठीक है। फिर आपको उस साल आप नेस्कैफे बेसमेंट में आएंगे इंशाल्लाह। समझ आया? मतलब ये करने के बाद ना, मतलब फिर एक बार आपने
ओपन प्ले किया, फिर ये किया आपने, और वो स्टेप फिर रिपीट होगा। ठीक है, अब वो सारा स्टेप रिपीट होगा, लेकिन इस बार क्या होगा, जब आप दूसरी बार जब आएंगे ना, यहां तक भी ठीक है, लेकिन अब जब आप यहां आएंगे और वो हार्मोनिक वाला पार्ट करेंगे ना, आप थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देंगे। ठीक है, बस। सो ये है पूरा ट्यूटोरियल। आई गेस लोगों को समझ आ गया कि मतलब देयर गोज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जिनको आपने अलहदा से प्रैक्टिस करने हैं। अभी एक पार्ट पकड़ो, उस एक पार्ट को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार। आप प्रैक्टिस मोड में हैं, परफॉर्मेंस मोड में नहीं है इस वक्त। और नोट्स स्किप मत करो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो उसी तरह करो। अगर उससे अच्छा कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और ये जो एंड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि वुड नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो बाकी अपना ख्याल रखें। मैं हमेशा यही आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी दुआओं में याद रखें।